गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा दूसरा पार्ट बंधु दादा को छुड़ा लिया गया। हमने जो है हमने अभ्यास कार्य शुरू किया था, उसमें हमने जो है मौखिक प्रश्न देखे और लिखित में से दो प्रश्न देखे। उसके आगे के लिखित में के प्रश्न देखिए, लिखित से लघु उत्तरीय प्रश्न एक वाक्य में कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है ग, बंधु दादा को बंदी बनाकर रखा गया है इसकी सूचना किसने दी थी। बंधु दादा को बंदी बनाकर रखा गया है इसकी सूचना किसने दी थी, बताइए जी। शिविर में बंधु दादा को शिकारियों ने बंदी बनाकर रखा है इसकी सूचना चील ने सबको सब जानवरों को दी थी। बंधु दादा को शिकारियों ने बंदी बनाकर रखा है इसकी सूचना चील ने सब जानवरों को दी थी। अब आगे का प्रश्न देखिए, बंधु दादा के सारे रस्से किसने कुतर दिए। बंधु दादा के सारे रस्से जो बंधु दादा को शिकारियों ने रस्सियों में बना था, वो जो बड़े बड़े रस्से थे वो किसने कुतर दिए, किसने काट डाले, ये हमें बताना है। बताइए किसने काट डाले थे जी, चूहों ने। देखिए बंधु दादा के पैरों में बंधे रस्से चूहों ने कुतर दिए। बंधु दादा के पैरों में बंधे रस्से चूहों ने कुतर दिए। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न देखने जा रहे हैं, बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से छुड़ाने की योजना किसने सुझाई थी। बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से छुड़ाने की योजना किसने सुझाई थी, बताइए। खरगोश ने, ठीक है। देखिए बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से छुड़ाने की योजना खरगोश ने सुझाई थी। बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से छुड़ाने की योजना खरगोश ने सुझाई थी। अब आगे देखिए, देखिए प्रश्न है, बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से किस कैसे छुड़ाया जाए। बंधु दादा को शिकारी के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए इसका जवाब, मंत्री खरगोश चील को लेकर वहां गए जहां बंधु जो बंधु है कहे थे, बंधु दादा कहे थे, चील दीवारों के ऊपर उड़कर अंदर गई। चील जो है दीवार से दीवार के ऊपर उड़कर क्या है अंदर गई और बंधु दादा को तरकीब बताई। चूहों ने दीवार के नीचे सुरंग बनाई। शाम कर खरगोश बंदर गिद्ध भेड़िए वहां, यहाँ देखिए ये पहुंच गए हैं, ये गलत हो गया, यहाँ पर आप बराबर कीजिए, पहुंच गए। भेड़िए दरवाजे से दूर झाड़ियों में बंदर पेड़ों पर छिप गए। चूहों ने बंधु दादा के रस्से उतर डाले। खरगोश के इशारा करने पर गिद्ध ऊपर मंडराने लगे। एक दो गिद्ध बंधु दादा के ऊपर बैठ गए। गिद्धों को देखकर पहरेदारों ने समझाया हाथी मर गया है। मालिक को सूचना दी, मालिक ने दरवाजा खोला, बंदर ने आवाज नहीं आई। बंधु दादा इशारा समझ गए और जंगल की ओर भाग गए। इस प्रकार से ये जो है पूरी जो योजना थी जो कि बंधु दादा को छुड़ाने की शिकारियों के चंगुल से, इस प्रकार इसके आगे का प्रश्न देखिए, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है, देखिए। सूझबूझ से मुसीबत या समस्या का हल किया जा सकता है। एकता या मिलकर काम करने से कार्य सरल हो जाता है। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। देखिए
इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ से हर मुसीबत या समस्या का हल किया जा सकता है। एकता या मिलकर काम करने से जो है कार्य सरल हो जाता है, आसान हो जाता है और एक दूसरे की मदद हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से। आगे देखिए, बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं। खरगोश ने ऐसा क्यों कहा? बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर ही काम करते हैं। खरगोश ने ऐसा क्यों कहा? बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर काम करते हैं। खरगोश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जल्दबाजी या बिना विचारे काम करने से काम बिगड़ जाता है। बुद्धिमान हमेशा सोच समझकर काम करते हैं। खरगोश ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जल्दबाजी या बिना विचारे काम करने से काम बिगड़ जाता है। बुद्धिमान लोग सोच विचार कर शांत रहकर काम करते हैं, तभी उन्हें सफलता मिलती है। तभी उन्हें सफलता मिलती है। इस प्रकार से जो है हमने जो हमारे ये प्रश्न है वो देखे, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।